हिंदी टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अकरम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करें, पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, फ्री है, कोई चार्जेस आपको देना नहीं होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप वन, पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करें, तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। तो प्लीज आई बटन पे आप क्लिक करें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो स्टेप टू, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, वो भी न्यू रूल्स के हिसाब से जुलाई के बाद, जुलाई 2017 के बाद जो है वो रूल्स बदल गया है। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रूफ ऑफ बर्थ, तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए पहले रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपकी पैदाइश 26 जनवरी के बाद की है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी था पहले, जुलाई के पहले। लेकिन न्यू रूल्स के हिसाब से आपको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी नहीं है। तो उसके सिवाय आप ये जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रूफ आप दिखा सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अलावा आप आधार कार्ड या पैन कार्ड अगर आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है या स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट और LIC जो गवर्नमेंट अप्रूव हो, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर आईडी कार्ड का, लाइट बिल अगर टेलीफोन बिल है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो डिटेल्स ऑफ पेरेंट लीगल गार्डियन, तो पहले के हिसाब से जो था कि अगर कोई किसी का भी मतलब पासपोर्ट बनाना है तो दोनों पेरेंट्स का नाम देना होता था, मतलब दोनों पेरेंट्स का मतलब है माता पिता दोनों का। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर कोई सिंगल पेरेंट्स मदर है तो वो भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं वन नाम के साथ। अगर कोई साधु या सन्यासी है तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अलावा अपने गुरु का नाम भी जो है वो दे सकता है। और अब बात करते हैं मैरिज और डिवोर्स पर्सन की, तो सर्टिफिकेट जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो अभी जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो डिसकनेक्ट हो चुका है। अब डिवोर्स पर्सन की बात करेंगे, तो अगर डिवोर्स पर्सन चाहे तो अपना जो स्पाउस जो अपने हस्बैंड है उनका नाम ना देना चाहे तो भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ओके, तो स्टेप थ्री की बात करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपको फोटो अप्लाई जो आपने अप्लाई किया पासपोर्ट उसका रिसीप्ट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक एक जेरोस कॉपी ले जाना होता है। पासपोर्ट साइज फोटो की कोई भी जरूरत नहीं है, वहां पे ही फोटो आपकी ली जाएगी। ओके, तो वहां पे आपको अपॉइंटमेंट के डेट पे जाना होता है। तो इस तरह से एक काउंटर होगा, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कराना है, तो वहां पे आपको एक फाइल बना के देंगे। फिर इस तरह से एक काउंटर होगा, वहां पे आपको बिठाया जाएगा, आपके नंबर वाइज वहां पे फोटो ली जाएगी और कोई भी अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो नाम में तो यहाँ से आपको सुधार सकते हो आप यहाँ से देख के। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको पूरी सारी प्रूफ देनी है, यहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। इस तरह से रिसिप्ट होगी तो वहां पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा, तो 5 से 8 दिन के अंदर तो आपके पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको कॉल कर सकती है या आपके घर में भी चेकिंग के लिए जा सकती है। ओके, तो उसके 1-2 दिन के बाद जो है आपका पासपोर्ट जो है आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करें और ये बेल आइकन पे क्लिक कर दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।